हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो पर मैं बात करूंगा फ्री वाले डीटीएस सेटअप बॉक्स पर आने वाले एक फॉल्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस पर फॉल्ट क्या है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो सिग्नल वाला बटन है, तो दोस्तों मैंने रिमोट से प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि इसका जो सिग्नल क्वालिटी है यहाँ 00 आ रहा है। सेटअप बॉक्स से सिग्नल क्वालिटी और सिग्नल इंटेंसिटी 00 शो हो रहा है। अगर दोस्तों आपको सेटअप बॉक्स से इस प्रकार से फॉल्ट देखने को मिलता है, तो आप दोस्तों इसे किस प्रकार से चेक करके सही करेंगे, आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। अगर दोस्तों ऐसा कभी भी फॉल्ट आता है, तो आपको सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को लगभग 200 डीसी रेंज में आपको सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको पावर सप्लाई से यह जो सॉकेट यहाँ कार्ड में लगा हुआ है, तो आपको दोस्तों यहाँ वोल्टेज चेक करना है। तो हम दोस्तों इसका जो सप्लाई है चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट, जहाँ दोस्तों हमारा 13 से 15 वोल्ट के बीच मिलना चाहिए, यहाँ हमें बिल्कुल भी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इस पर दोस्तों जो 24 वोल्ट सप्लाई है, 22 से 24 वोल्ट सप्लाई, वह हमारा यहाँ आ रहा है। अब दोस्तों हम अगर यहाँ चेक करेंगे, तो हमें सप्लाई यहाँ भी नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ हमें 3.8 वोल्ट के लगभग शो हो रहा है। अब दोस्तों हमारा कंफर्म हो जाता है कि यह जो फॉल्ट है हमारे इस डीटीएस सेटअप बॉक्स के पावर सप्लाई से है। जब तक आपका 13 से 15 वोल्ट के बीच सप्लाई यहाँ नहीं आएगा, तब तक दोस्तों आपका सिग्नल नहीं आएगा। अब दोस्तों ये जो फॉल्ट है किस कारण से होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पावर सप्लाई पर यह एक डायोड लगा हुआ है 12 वोल्ट के लिए, और एक दोस्तों डायोड और लगा हुआ है 12 वोल्ट के लिए, जो कि हमारा यहाँ जाता है, और एक दोस्तों 12 वोल्ट सप्लाई जो है इस सॉकेट के माध्यम से हमारे इस ऑडियो बोर्ड पर जाता है। तो अब दोस्तों आपको इस डायोड पर जो सप्लाई हमारा कार्ड पर जाता है, आपको 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ चेक करना है। अगर दोस्तों आपका सप्लाई यहाँ नहीं मिलता है, तो आपका यह डायोड ख़राब है, ओपन है, आपको दोस्तों इसे निकाल कर एक दूसरा डायोड लगा देना है। अगर दोस्तों आप इस डायोड को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल से क्या करेंगे कि यह जो हमारा ऑडियो बोर्ड वाला सप्लाई है, हम दोस्तों इसे कट कर देंगे, क्योंकि इसका जो यूज है अधिकतर लोग नहीं करते हैं। तो आपको दोस्तों इस ऑडियो वाले बोर्ड से जो सप्लाई हमारा यहाँ से आया हुआ था, तो दोस्तों आपको कट कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यह जो हमारा 12 वोल्ट सप्लाई वाला वायर है, हमें दोस्तों यहाँ से कट करके और यहाँ हमें जोड़ देना है। मैं दोस्तों इसे बंद कर लेता हूँ, और अब दोस्तों इसके बाद यह जो तीसरा वाला वायर है, हम दोस्तों यहाँ से इसे इस प्रकार से कट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इस वायर को यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहें तो इस ख़राब डायोड को भी चेंज कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको सबसे पहले इस डायोड पर आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा 12 वोल्ट सप्लाई जो है बन रहा है कि नहीं। दोस्तों आप मल्टीमीटर पर देख सकते हैं हमारा जो डायोड है ख़राब है, 12 वोल्ट सप्लाई हमारा, जो 13 से 15 वोल्ट सप्लाई हमारा बनकर यहाँ से कार्ड को जाता है, तो दोस्तों ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब डायोड ख़राब है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, जहाँ सप्लाई हमारा ऑडियो बोर्ड के लिए जाता है, यहाँ दोस्तों हमें 15 वोल्ट के लगभग सप्लाई मिल रहा है। तो आपको दोस्तों यहाँ चेक करने पर 12 से 15 वोल्ट के बीच सप्लाई मिलेगा, तो आपको दोस्तों इस वायर को यहाँ से काट कर आपको यहाँ लगा देना है। मैं दोस्तों इस वायर को यहाँ जोड़ने के बाद आपको सिग्नल भी चेक करके दिखाता हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस वायर को जो कि यहाँ लगा हुआ था, तो दोस्तों मैंने यहाँ से कट करके यहाँ जोड़ दिया है। अब दोस्तों मैं आपको इस सेटअप बॉक्स को चालू करके जो सिग्नल है दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं सेटअप बॉक्स हमारा चालू हो चुका है। अब दोस्तों मैं रिमोट से सिग्नल का बटन प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है पहले 0-0 आ रहा था, अब दोस्तों 63% के लगभग सिग्नल हमारा आ चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आप सिग्नल के फॉल्ट को सेटअप बॉक्स से सही कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ वोल्टेज चेक करूँगा तो आप मल्टीमीटर पर देखिएगा कि आपको यहाँ अब 13 से 15 वोल्ट के बीच जो वोल्टेज है आपको मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोड देने के बाद यहाँ हमारा 11 वोल्ट के लगभग वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इस डिटेल्स पर आने वाले इस फॉल्ट को, नो सिग्नल के फॉल्ट को आप दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहें तो यह जो डायोड है आप दोस्तों इसे भी बदल सकते हैं। अगर दोस्तों आप डायोड चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो 12 वोल्ट वाला हमारा सप्लाई यहाँ जाता है आप दोस्तों यहाँ से कट करके यहाँ आप जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।